तो आज हमारे पास आया हुआ है ज़ेब्रोनिक्स का लेटेस्ट मैकेनिकल कीबोर्ड ज़ेब्रोनिक्स ज़ैप मैक्स निंजा 200। तो इसकी लॉन्चिंग प्राइस होने वाली है 4,500 रुपए। उस समय बाद इसकी प्राइसिंग इंक्रीज होकर हो जाएगी 5,000 रुपए। तो अगर आपको इसको परचेस करना है तो परचेस लिंक नीचे पे अवेलेबल है, आप इसको परचेस कर सकते हो। तो ये एक मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड है एंड इसमें RGB का सपोर्ट भी कंपनी ने दिया है। RGB कोई ऐसी वैसी नहीं है, काफी भर भर के कंपनी ने इसमें RGB का सपोर्ट प्रोवाइड किया है। तो अगर आप भी इसके बारे में और जानना चाहते हो तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। तो बॉक्स पैकेजिंग आप देख सकते हो काफी कॉम्पैक्ट सी है। बॉक्स टॉप में ज़ैप मैक्स निंजा 200 की ब्रांडिंग है। ऑटम यू के रेड स्विचेस का इसमें सपोर्ट है जो काफी रिलायबल होते हैं। पीछे के पार्ट में कुछ और इसके फीचर्स मेंशन किए गए हैं जिसके ऊपर आगे हम बात करेंगे। बाकी प्राइसिंग यहां पे मेंशन की गई है 9,999 रुपए। तो कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सबसे टॉप में एक पाउच देख लेते हैं इसमें क्या है। तो इसमें स्विच रिमूव करने के लिए एक टूल, एक की कैप रिमूवल टूल यानी कि इसमें की कैप है, एक नैनो रिसीवर। इसके अंदर एक कार्ड है जिसमें इसका QR कोड, जिसको स्कैन करके आप इसकी यूजर मैनुअल को डाउनलोड कर सकते हो। एक 1.8 मीटर की इसमें ब्रेडेड केबल है टाइप A टू टाइप C। तो कीबोर्ड का जो फर्स्ट लुक है भाई काफी प्रीमियम क्वालिटी का लग रहा है कीबोर्ड। एंड क्या लग रहा है यार देखने में, टोटली ये व्हाइट कलर का है जिससे इसका लुक और भी एलिगेंट हो जाता है। तो व्हाइट कीबोर्ड मेंटेनेंस थोड़ी सी ज्यादा मांगता है ब्लैक के कंपैरिजन में, क्योंकि ये गंदा जल्दी हो जाता है। तो कीबोर्ड आता है ओवरऑल प्लास्टिक बिल्ड में एंड काफी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल इसमें यूज किया गया है, काफी प्रीमियम ये फील दे रहा है। बॉटम पार्ट में 4 रबर पैडिंग्स है एंड आप इसकी हाइट को एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे एलिवेटेड लिफ्टर्स का सपोर्ट नहीं है, तो ये एक ही पोजीशन में रहेगा आपके टेबल पे। फ्रंट पार्ट में टाइप सी पोर्ट है। कीबोर्ड को ऑन करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड RGB आप देख सकते हो टोटली बॉडी पे ग्लो हो रही है, दैट्स व्हाई कंपनी ने इसको टोटली ट्रांसपेरेंट प्रोवाइड किया है। बॉटम पार्ट को छोड़ के ऑलमोस्ट पूरे कीबोर्ड में इसकी RGB फील होती है, जैसा आप देख सकते हो भाई लुक वाइज काफी कूल लग रहा है। तो ये 75% मैकेनिकल कीबोर्ड है, 84 इसमें कीज है। सिर्फ इसमें नमपैड का सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, नेविगेशन क्लस्टर वगैरह आपको इसमें मिल जाएंगे। हमने 60% का भी रिव्यू कर रखा है, उसमें नेविगेशन क्लस्टर भी नहीं मिलते हैं बट इसमें वो है। तो ये कीबोर्ड बेसिकली टारगेट करता है उन लोगों को जिनको अपने टेबल पे कम से कम सामान पसंद है। कीबोर्ड छोटा है तो माउस मूवमेंट के लिए काफी स्पेस आपको मिल जाएगा। तो इसमें ऑटोमियो के रेड स्विचेस हैं एंड रेड स्विचेस का एक फायदा होता है, अगर आप ब्लूसेन को कंपेयर करते हैं तो साउंड इनकी काफी कम होती है। तो एक साउंड टेस्ट भी आप इसका देख लीजिए। तो इस कीबोर्ड में मल्टीपल मोड्स दिए गए हैं, आप इसको ब्लूटूथ से भी यूज कर सकते हो, 2.4 GHz यानी नैनो रिसीवर से भी आप इसको यूज कर सकते हो एंड वायर्ड भी आप इसको यूज कर सकते हो। एंड ये कीबोर्ड सभी डिवाइस के साथ कंपैटिबल है, एंड्रॉइड iOS टैबलेट विंडोज मैक सबके साथ आप इसे यूज कर सकते हो। तो ब्लूटूथ से आप 3 डिवाइस को एक साथ पेयर कर सकते हो। एंड एक चीज मुझे इसकी काफी अच्छी लगी, आप ब्लूटूथ डोंगल वायर्ड के बीच काफी आराम से स्विच कर सकते हो, आपको सिर्फ फंक्शन के साथ 1, 2, 3, 4, 5 की को प्रेस करना है। 18 इसमें LED इफेक्ट्स हैं जिसके लिए आपको कोई भी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली कीबोर्ड से ही उनको चेंज कर सकते हो। तो LED इफेक्ट्स भी आप देख लीजिए। फोर लेवल की इसमें ब्राइटनेस है, प्लस 1 ऑफ जिसमें इसकी LED ऑफ हो जाती है, प्लस 4 मोड्स है इसमें स्पीड के, तो LED की स्पीड को भी आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसमें इनबिल्ट बैटरी का सपोर्ट भी है एंड वो कितने एमएच की बैटरी है ये कहीं भी मेंशन नहीं है, बट एक सिंगल चार्ज में आप इसको काफी यूज कर सकते हो, तकरीबन 5 से 7 दिन तक आप इसे यूज कर सकते हो अगर आप इसकी RGB को ऑन रखते हो एंड कैजुअल इसको यूज करते हो। क्योंकि काफी सारे कीबोर्ड्स का मैं यूज करता हूं, मुझे तकरीबन 7 से 10 दिन का ही उसमें बैटरी बैकअप मिलता है, तो इससे भी मैं तकरीबन उतना ही एक्सपेक्ट करता हूं। अगर आप RGB को ऑफ रखते हो तो बैटरी बैकअप आपको और भी ज्यादा मिलेगा इसमें, ऑल डिपेंड ऑन यू जैसा आप यूज करोगे वैसा बैटरी बैकअप मिलेगा। एंड इसमें एक फीचर और है, आप बैटरी लेवल इसका चेकआउट कर सकते हो, फंक्शन के साथ स्पेस को प्रेस करके आप इसका बैटरी लेवल चेकआउट कर सकते हो। तो 1 से लेकर यहाँ पे 0 तक आप बैटरी लेवल चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे बैटरी इसकी ब्लिंक होगी। मान लीजिए अगर 9 पे इसकी बैटरी ब्लिंक हो रही है तो बैटरी इसमें रिमेनिंग है 90% एंड हॉट स्वैपेबल कीज का इसमें सपोर्ट है, की रिमूवल टूल भी इसमें दिया गया है, तो आप इसकी की कैप्स को निकाल के स्विचेस को रिप्लेस कर सकते हो। अगर आप ब्लू लगाना चाहते हो तो ब्लू भी आप लगा सकते हो, ब्राउन लगाना चाहते हो तो वो भी आप लगा सकते हो, जैसी भी आपकी नीड हो। तो ये भी इसका काफी अच्छा फीचर है, विंडोज एंड मैक के बीच आप स्विच कर सकते हो इसमें, फंक्शन के साथ आपको A और S प्रेस करना है। अब घोस्टिंग की बात की जाए तो उसको मैंने काफी टेस्ट किया एंड मुझे इसमें बिल्कुल भी घोस्टिंग फील नहीं हुई एंड मैकेनिकल कीबोर्ड जितने भी मैंने यूज करे इसमें घोस्टिंग का इशू तो होता भी नहीं है, मैंने आज तक नहीं देखा है। अगर आपने देखा हो तो आप बता सकते हो कमेंट करके। गेमिंग के लिए मैंने इसको यूज करा, प्रोडक्टिविटी के लिए मैंने इसको यूज करा, दोनों के लिए मुझे कंपेटेबल लगा क्योंकि यहाँ पे नेविगेशन क्लस्टर दिए गए हैं, हालांकि नम पैड का सपोर्ट नहीं है। अगर आप कुछ ऐसे गेम खेलते हो जहाँ पे नम पैड का यूज होता है वहाँ पे थोड़ा इशू आपको आ सकता है, बाकी कीबोर्ड मुझे काफी परफेक्ट लगा। अगर ओवरऑल कीबोर्ड को देखा जाए तो लुक वाइज भी काफी अच्छा है एंड
फंक्शनैलिटी भी इसकी काफ़ी ज़बरदस्त है एंड काफ़ी हैवी ड्यूटी है, कीबोर्ड है। तो अब लास्ट में बात आती है कि आपको ये परचेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो प्राइसिंग सबसे पहले देखी जाएगी, 4500 रुपये में लॉन्च हो रहा है एंड 4500 रुपये में आपको ऑटोमेटिक रेड स्विचेस मिल रहे हैं। तकरीबन 5 डिवाइस के साथ आप इसको एक साथ यूज़ कर सकते हो। लुक इसका काफ़ी क्लियर मिल रहा है, टोटली RGB का सपोर्ट इसमें प्रोवाइड किया गया है ऊपर से लेकर नीचे तक, जो इसके लुक को और भी इन्हेंस कर देती हैं। इनबिल्ट इसमें बैटरी है, काफ़ी सारे इसमें LED इफेक्ट्स हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा छोटा कीबोर्ड पसंद है एंड RGB से आपको प्यार है, आपको ऐसा कीबोर्ड चाहिए जो काफ़ी यूनिक सा हो, इसमें रेड स्विचेस का सपोर्ट हो, तो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हो। कीबोर्ड अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लगा। बाकी अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन हो इस कीबोर्ड से रिगार्डिंग तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट करके। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो मेरा नाम है ऋतिक एंड मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।